तो हमारे घर में है शादी और मैं निकल पड़ी हूँ नेल एक्सटेंशन कराने, और ये शुरू हो गया मेरा नेल एक्सटेंशन का पूरा प्रोसेस। और ये देखो इतना ज़्यादा रश था, हो भी क्यों ना, सभी के घर में शादी जो है तो यहाँ पे सभी लोग आए थे, कोई सास, कोई बहू, कोई बहने। और ये देखो मेरा एक्सटेंशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो एक्सटेंशन कराने में पूरा दिन लग गया, और अब लहंगा लेने आई थी, लहंगे वाले भैया ने लहंगा भी नहीं किया। अब मामी के घर जाती हूँ, चाय पीती हूँ। तो बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे लहंगा लेने और उसके बाद मैं घर पहुँचूँगी। तो थोड़े थोड़े पार्ट में मैं व्लॉग आपके लिए जमा करती रहूँगी, ताकि मैं आपको पूरा दिखाऊँ कि हमारे घर में शादी है, और शादी किसकी है वो आपको एंड में पता चल जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड। तो जी कल से रस्में स्टार्ट हो जाएगी सारी, और थोड़ा सा सोच के मैं इमोशनल हो रही हूँ। आई थिंक मैं ये सोच रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक तो मेरी जॉब है, दूसरा मैं सोच रही हूँ अगर मैं जाऊँगी तो मैं व्लॉग कैसे शूट करूँगी। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल पर्सन हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। हालांकि मेरी शादी में अभी टाइम है, लेकिन मुझे देख के बहुत रोना आता है जब भी कोई रोता है। तो ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन हाँ मैं मेहंदी में मेरा 50-50 कि मैं जाऊंगी कि या नहीं जाऊंगी। एंड जिनकी शादी है वो भी मेरे अच्छे खासे क्लोज है काफी, तो वही मैं सोच रही थी। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं जाऊंगी कि नहीं, बट हाँ शादी में मैं डेफिनेटली जाऊंगी, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। मे बी अगर आप जानते होंगे उन्हें तो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, पुराने ब्लॉग में, तो आप समझ जाएंगे कौन है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तो रेडी हो चुकी है मेरी मेहंदी, कैसी लगी है बताना जरूर। तो मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज जाना है एक और फंक्शन में, वहाँ पे गुरुजी का पाठ रखवाया और मैंने रात को मेहंदी लगाई थी। ऑलमोस्ट रच चुकी है, बस इस बार थोड़ा सा लाइट शेड आया है। वैसे हर साल मेरी बहुत साल क्या हर टाइम मेरी बहुत गाढ़ी रचती है, इस बार पता नहीं क्या हुआ। रात को तो मैंने लगा ली थी और 1 बजे अराउंड मैंने सारी छुटा ली थी, तो इस तरह का शेड आया। चलो कोई नहीं, दिख रही है, इतना बहुत है। तो गुरुजी के पाठ में जाएंगे और वहाँ से देखते हैं कि पॉसिबल होता है कि नहीं कोई और फंक्शन में जाना। बट हाँ कल मेहंदी संगीत है, तो कल तो डेफिनेटली मैं जाने वाली हूँ, आप सबको दिखाना भी है, तो चलते हैं। डांट रही है, कहाँ रह गए थे, बहुत देर हो गया, सब कुछ मतलब पैक हो चुका है यहाँ पे कीर्तन का। ये हमारी दादी, अभी कितना बजा बज रहा है नानी, 5:30 बजने वाला है। ये हमारी नानी, मंदिर खुला है, वहाँ से सब खाली हो गया है, जब जाके आप कह रहे हो वीडियो बनाने के लिए। स्माइल करो प्लीज, यहाँ हमारी चाय पार्टी चल रही है। ये हमारा ग्रुप है चाय पार्टी का, चाय पार्टी चाय पार्टी। तो मैं ब्राइड जो से मिलवाती हूँ, बेहद ज्यादा बिजी है, काम करती है। ये है डेकोरेशन घर की, और ये हूँ मैं। तैयार जाने के लिए सजा दिया मुंह को बड़ा, कल मिलते हैं। हम निकल चुके हैं और आएंगे कल।
मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द सेम ब्लॉग। तो मैं जा रही हूँ अभी सुबह सुबह जॉब पर और वहाँ से मैं जाऊँगी फिर डायरेक्टली मेहंदी की रस्म में। जॉब से मैं आ चुकी हूँ और लंच करके थोड़ी देर में निकलूँगी कहाँ, मेहंदी की रस्म में। तो हम पहुँच चुके हैं और ये देखिए मिली एक गुल्लू सी। चलो यहाँ पे सब मेहमान आ चुके हैं। ये बुआ जी लाइट नहीं है, दुल्हन को दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं। आप मेहंदी लगी चलो अब हम ऊपर लेके चलते हैं। ब्राइड को तो मिलवा दिया है, अब ऊपर का माहौल दिखाते हैं कौन कौन है। ये हैं घर के शहजादे सनोवर जी, बेहद खूंखार। ये मामी जी, हेलो मामी, हेलो कर दो। अम्मा मैं कब से आ रखी हूँ आपसे, अम्मा अम्मा नमस्ते। ओह माय गॉड, ये अंजलि दीदी है क्या? बस क्या हो गया, क्या मतलब बस? बहुत बड़ी बस नहीं है मत लंबा चलेगा। नहीं नहीं ये वो उससे कर रहा था, बस ने वो सनलाइट जैसा टाइप नहीं आता, तो वो सब कर सकते दिए है, उससे बड़ा आराम से चलेगा। फिर वो भी नील से बहुत चलेंगे, अगर तू इज्जत की तरह वो मैं ये सोच सकते नील चलेंगे, उसको तो अच्छे से केयर करके रहा, ऐसे नहीं कि उंगली मार के निकलेंगे, वैसे वाले निकलेंगे बहुत बार बोलते हैं। मैंने पहले कुछ कराया नहीं ना फेसियल, कल लगेंगे ज्यादा दस्त, तो एक ही दिन में पूरा कर मंदो तो फेशियल करा के है। अरे कोई नहीं, हमारी मामी जी ब्राइड की मम्मी, अब इनकी टर्न आने वाली है मेहंदी की। कैसा लग रहा है? सुना है आप इमोशनल हो गए थे कल, कल नहीं सॉरी सुबह सुबह कल इमोशनल हो गए थे है मामी। पीछे तो ब्राइड तैयार हो रही है और मैं आपको बाहर की दिखाती हूँ डेकोरेशन। जो पार्टी स्टार्ट हो गई है, डीजे वाले आ चुका है, सब कुछ रेडी है। यहाँ पे स्नैक्स की तैयारी चल रही है और यहाँ पे डीजे लग चुका है। ब्राइट के मम्मा को लग रही है मेहंदी और यहाँ मामी लगा रही है मेहंदी। लाइट ऑफ हो चुकी है क्योंकि पीछे ब्राइट का फोटो शूट चल रहा है मेहंदी का, तो पीछे यहाँ पे तैयारी चल रही है। पब्लिक आ चुकी है शूटिंग देखने, चाटा मारती है। नीनी तो आ चुकी है निन्नी भी। सो वी आर कंप्लीट, कांट सी माय फेस, ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले थोड़ा खराब हो गया। और चौथी जो है यहाँ सो रही है, उन्हें मिलूं तो वेट कर रहे हैं स्नैक्स, उसके बाद स्नैक्स में ढूंढ पड़ेंगे, फिर खाएंगे चिकन। Thank you.
लग रहा है बताना। मेरे ख्याल से तो मैं लग रही हूँ जल परी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये पूरा मेकअप मैंने खुद किया है और ये आउटफिट मेरा इस तरह का है, और दो चार वीडियो बनाऊंगी तो उसमें फुल आउटफिट आपको देखने को मिल ही जाएगा। और अभी हम बस सब रेडी हो गए ऑलमोस्ट, मैंने राधिका मेकअप कर दिया है, मामी का मेकअप कर रही है, और अभी बस रहते हैं तो थोड़े बहुत दादी रहते हैं और मामी का हेयर स्टाइल रहता है, अदरवाइज़ सब कुछ रेडी है और हम थोड़ी देर में निकलेंगे शादी वाले वेन्यू के लिए। तो बस उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी दुल्हन की एंट्री। और सबसे बड़ी बात, तो मेरा इतना बड़ा मतलब एफर्ट जो ये हुआ आज, मैं स्पेशली फ़ोन ठीक कराने के लिए गई हूँ करोल बाग, और उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे था कि मुझे शूट करना है व्लॉग, मुझे बनाना है। थोड़ी रुकावटें आएगी, कोई बात नहीं, पर जर्नी ऐसी ही चलती है, बहुत सारे मतलब स्ट्रगल करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, बट अभी सब ठीक है। फ़ोन में मेरे रबर बैंड्स लग रखे हैं खूब सारे, पर मैं शूट करना रुकूंगी नहीं, तो बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा व्लॉग दिखाऊंगी आपको। जब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बहुत लंबा वेट करने के बाद फाइनली 7-सीटर बुक हो चुकी है और आ चुके हैं। हमें तो लग रहा था आज हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि कोई ओला कोई ऑटो कुछ नहीं आ रहा था। चलते फटाफट। आ
हमारी बिंदास दुल्हन जिसने बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा ना दीदी? है दीदी, डर नहीं लग रहा ना? हैट्रिक कैसे करोगे? उड़ उड़ तो बंगलो आ रहा बाहुबली। मैं खाने जा रही हूँ खाना। छोटा वीरा फूल झूला, ये फूल है लेकिन छोटा है। और ये मेरे बड़के वीरे, ये मेरे बीच वाले वीरे, और ये मेरे छोटे वाले वीरे, और ये मेरे मोटे वाले वीरे। फोटोज भी हो चुकी है और अब फेरों की तैयारी चल रही है और अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सीत गिर रही है ऊपर से। तो मैं आपको फेरों का मंडप दिखा देती हूँ। यहाँ पे होगी फेरे और अब आप देख सकते हो सीट गिरनी स्टार्ट हो गई है। ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं और अब हमारी भी कैब आने वाली है तो हम भी जाएंगे। और कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।